लोजपा में दो फाड़ होने के बाद स्मृति शेष रामविलास पासवान का पैतृक गांव जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत शहर बनने लगातार चर्चे में है। ये अभी एक प्रकार से राजनीतिक तीर्थ बन चुका है। रामविलास पासवान की जयंती पर यहां लोजपा और राजद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि रामविलास के आवास पर लोजपा ने नहीं बल्कि राजद की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजकुमारी देवी यानी कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी शामिल हुई, जबकि लोजपा की ओर से शहर बनने स्थित सैल भवन में जयंती मनाई गई। यहाँ राजकुमारी देवी शामिल नहीं हुई। राजद की ओर से राजकुमारी देवी को सम्मानित भी किया गया, हालांकि वे कुछ ही देर कार्यक्रम में रहीं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ हाई बीपी के कारण वे घर के अंदर आराम करने चली गईं। रामविलास पासवान के घर की देखरेख करने वाले शंभू पासवान ने कहा कि मैडम का बीपी बढ़ गया है, इसीलिए वो किसी से भी बात नहीं करेंगी। खैर, मैडम का राजद के कार्यक्रम में शामिल होना और लोजपा से परहेज करना कई संकेत दे गया। लोजपा का बीपी अब बढ़ चुका है। राजकुमारी देवी और शहर बन्नी के लोग रामविलास पासवान की जयंती के बहाने जो संदेश दिया है वह आने वाले कल के लिए महत्वपूर्ण है। मालूम हो कि 3 जुलाई को खगड़िया के परमानंद में पारस जी के साथ देने वाले खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर का जिस तरह से चिराग समर्थकों ने विरोध किया वह मैसेज भी दूर तलक गया। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरा से सुरभि की रिपोर्ट।